है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रेड गियर का क्लॉक वायर्ड गेमिंग हेडफोन जो है इसका अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाला हूँ। ये जो हेडफोन है इसका प्राइस है अमेजन पे 899 रुपीज़। इसको मैंने अमेजन से परचेस किया, इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, इसके जो की स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक और उसके साथ एक माइक पिन भी मिलता है, और एक जो है आपको USB पोर्ट मिलता है जिससे जो है वो इसका RGB लाइट जो है उसको लाइट अप करने के लिए वो दिया गया अलग से कनेक्शन। और जो कुशंस हैं वो वाकई में काफ़ी सॉफ्ट हैं, और यहाँ पे आप इससे जो है वो गेमिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो आपको जो ड्राइवर्स दिए गए हैं वो आपको 55 mm का ड्राइवर जो है वो दिया गया, इनहैंस्ड जो है वो आपको वो मिल जाता है, काफ़ी बेस वेस जो है आपको मिल जाता है। तो जब भी आप गेम खेल रहे हो और एक फाइट वाला सीन रहा जहाँ पे आप गोली वोली चला रहे हो, तो उसमें आपको एक बेस जो है वो आपको फील होगा, तो वो सब जो है वो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी जो है आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, 50 mm का ड्राइवर आपको यहाँ पे दिया गया है, 5 dB तक का जो है आपको चैनल बैलेंस जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। और जो साइज़ है वो भी इसका काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इसके बॉक्स में यहाँ पे आपको रेड गियर का जो है आपको ब्रांडिंग किया गया है। बॉक्स काफ़ी जो है वो सिंपल सा दिया गया है। तो सबसे पहले इसको जो है वो अनबॉक्स करते हैं इस साइड से, और अनबॉक्स करने के बाद आपको मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझे हेडफोन मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है वो हेडफोन इस तरह से एक जो है वो कवर में पैक किया हुआ रहेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेडफोन ही देखने को मिलेगा। कोई भी यूज़र मैनुअल ये सब जो है वो कागज़ आपको एक्स्ट्रा जो है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन जो है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा लगा है मुझे। यहाँ देख सकते हैं ये इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, बट आपके ईयर्स जो हैं वो इनके बीच में जो है वो जाकर सेट हो जाएंगे। और इसके कुशन्स जो है वो काफ़ी मीन्स अच्छे क्वालिटी का कुशन जो है वो इसमें लगाया गया, आपको एक कंफर्टेबल जो है वो आपको फील मिलेगा। अगर आप ज़्यादा देर तक गेमिंग वगैरह करते हैं या अपने PC पर काम करते हैं तो एक अच्छा सा जो है आपको कंफर्टेबल फील जो है आपको मिलेगा। बाकी ये सब जो है वो फुल प्लास्टिक बिल्ड है। इधर साइड आपको जो है वो मैट फिनिश मिलता है, और इस साइड में आपको जो है वो एक ग्लॉसी वाला फिनिश मिलता है। और यहाँ पे रेड गियर का ब्रांडिंग किया गया है, और लाइट जो है वो यहीं पे जो है वो ऑन होगा, दोनों ही साइड में लाइट आपको मिल जाता है। और ये जो है वो आपको स्टील का दिया गया है, जो इस पर आपको रैपिंग किया गया है, ये आपको मीन्स मेटल का दिया गया है दोनों साइड में, तो आपको कोई भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है वो एडजस्टेबल है, तो आपके हेड के हिसाब से ये जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी साइड से जो है वो केबल भी जो है वो वायरिंग किया गया है। केबल का क्वालिटी का बात करें तो केबल का क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, और इस साइड में एक लेदर जैसा जो है वो फिनिश दिया गया है, और ये भी काफ़ी जो है वो अच्छा कुशनिंग जो है वो इसमें बहुत ही अच्छे से किया गया है, आपको फील नहीं होगा और ज़्यादा जो आपको ये इरिटेट नहीं करेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम का जो है वो आपको कंट्रोल मिल जाता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम रखना चाहते हैं वो आप जो है वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो माइक है, इस माइक को जो आप डिटैच नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको माइक का जो फैसिलिटी दिया गया है, माइक वाला साइड जो है वो आपको लेफ्ट साइड मिलता है, और ये जो है वो राइट साइड का मिल जाता है। केबल जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी थिक केबल जो है वो दिया गया है, कोई थिन केबल नहीं है ये, और काफ़ी थिक और काफ़ी बड़ा केबल जो है वो दिया गया है। मुझे लगता है कम से कम ये 2-3 फिट तक हो सकता है इसका केबल, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, मैंने तो मेज़र नहीं किया है, बट बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसका बड़ा केबल जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हब लगाया गया, और यहीं इसी से जो है वो 3 केबल्स निकल कर आते हैं। एक जो है वो आपको ऑडियो केबल, ऑडियो 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, और एक जो है वो माइक के लिए दिया गया है। और ये जो केबल है माइक USB टाइप ए वाला, इससे इस पोर्ट से आप जो है वो इसके लाइट को जो है आप ऑन कर सकते हैं। इसमें जो लाइट जो है वो RGB वाला, इसको आप कोई सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो अपना कलर चेंज करता रहेगा अपने हिसाब से, इसको सॉफ्टवेयर कंट्रोलेबल नहीं है। और माइक में भी एक रेड कलर का लाइट जो है वो ऑन होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप जो इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप तीनों पोर्ट को अपने PC में लगा देंगे, उसके बाद दोनों ही साइड में इस तरह से जो लाइट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइक है इसमें भी आपको एक रेड लाइट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको ऑन ऑफ करने का कोई भी इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, बट इसको आप जो है वो
किसी भी तरह जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, ये यूनिवर्सल है। और बाकी जो साउंड का क्वालिटी है, मैंने इसको एक दो घंटे तक यूज़ किया है, मुझे जो है वो इसका साउंड का जो पिच है वो थोड़ा कम लगा है, ऑडियो पिच मुझे थोड़ा कम लगा है। थोड़ा और लाउड होता तो ये जो है वो काफ़ी बेहतरीन मुझे लगता, लेकिन इस प्राइस रेंज में जो ये प्रोवाइड कर रही है वो जो है वो काफ़ी अच्छा है। प्रीमियम सेगमेंट में ये सब चीज़ आपको मिलता है, बट साउंड जो है वो थोड़ा कम आपको फील होगा, बट अच्छा है क्योंकि आपके ईयर्स को जो है वो नुकसान नहीं देगा इन फ्यूचर। तो ज़्यादा लाउड साउंड भी जो है वो नहीं सुनना चाहिए, तो ये जो है वो इन फ्यूचर आपको जो आदत हो जाएगा इसके साउंड का, और जो है वो ये आपको एक हेवी जो फील होता है ईयर्स पे वो सब जो है आपको नहीं क्रिएट करेगा। बाकी इसका माइक का साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है, और साउंड का क्वालिटी भी जो है मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसका वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा वेट ये सब फील नहीं होगा, और कंफर्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी कंफर्टेबल है ये। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।